नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सबसे आसान डोसा। जी हाँ, नॉर्मली जैसे दाल चावल का डोसा बनता है वैसे ही बनाएंगे, लेकिन सबसे कम समय में सबसे आसान तरीके से बनाएंगे। वो क्या है ना दोस्तों, कभी कभी घर बैठे कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल खाने का मन करता है, तो फटाफट से इसे बनाकर तैयार करिए और घर में बैठे बैठे इसका एंजॉय लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमने लिया है 1 कप चावल और 1/2 कप उड़द की दाल, और इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना। ध्यान रखिएगा मेथी दाना ज़्यादा ना होने पाए, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी। इन सबको धुल लेना है और इसके बाद में इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसे ढक करके रख देना है। 2 घंटे बाद से ड्रेन आउट कर लेंगे और ये देखिए इसका टेक्सचर ऐसा आ जाएगा, मतलब अच्छे तरीके से भीग चुके होंगे। आप चाहें तो इन्हें गुनगुने या गर्म पानी में भिगो करके भी रख सकते हैं। इसके बाद डालेंगे इसे एक मिक्सिंग जार में और साथ में डाल देंगे 1 छोटी कटोरी पानी। कवर करेंगे और अच्छे से इसे ग्राइंड करके ले लेंगे। ये देखिए एक स्मूथ सा बैटर हमने बना लिया है और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर अभी थिक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 कटोरी पानी और डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे, उसी ग्राइंडर जार में 1 कटोरी पानी डाल करके ले लेंगे, जिससे कि जो लगा हुआ बैटर था उसमें वो भी निकल करके आ जाएगा। तो इसे चला लेंगे और इसके बाद भी अगर आपको इस बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है तो थोड़ा पानी आप अलग से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैटर लगभग रेडी है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इसमें डालना अभी बाकी है, उनको भी हम ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख देते हैं और एक इम्पॉर्टेंट काम कर लेते हैं। तो दोस्तों डोसा हो और डोसे का आलू ना हो ऐसा तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से डोसे का आलू भी बना के तैयार कर लेते हैं। क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद में हमने 1 बड़ा चम्मच भर करके इसमें सरसों के सीड्स डाले हैं और 1 बड़ा चम्मच भर करके हमने करी पत्ता डाला है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे करी लीव्स को हमने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है और मस्टर्ड सीड की क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पूरे 1 किलो आलू का डोसा आलू बना करके तैयार कर रहे हैं। आप जिस हिसाब से बनाइएगा उस हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज कर लीजिएगा। तीखे के अनुसार हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल देंगे और डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक बारीक कट करके। इन सबको हल्का सा बस सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। अब जैसे ही प्याज हल्का सा सॉटे हो जाएगा, हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। अब टमाटर डालने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे कुछ खास मसालों को। तो सबसे पहले डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच ही हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, लेकिन इसे डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। इसे तीखा तो होगा नहीं, सिर्फ कलर आएगा। अगर आप तीखा करना चाहें तो तीखी वाली लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और डालेंगे 2 मैजिक मसाला मैगी के। तो 2 मैजिक मसालों को हमने ऐसे निकाल करके इसमें डाल दिया है, इससे बहुत बढ़िया स्वाद और बहुत बढ़िया फ्लेवर और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और साथ में क्या करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। बस इतने ही ले ही जाएंगे इस डोसा आलू में। बहुत ज़्यादा टमाटर को हमें पकाना नहीं है, टमाटर और मसाले ऐड करने के बाद में हमें आलू को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर पूरे 1 किलो आलूओं को मैश करके हमने ले लिया है, इन्हें डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन आलूओं को ऐसे मैश करते हुए चलाना है, जिससे कि जो मोटे टुकड़े रह भी गए हों आलू के वो भी मैश हो जाएं। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल डोसा आलू जैसा। तो यहाँ पर डोसा का आलू जो होता है ना, थोड़ा सा लिक्विडी होता है, मतलब थोड़ा सा गीला गीला सा होता है, जिससे कि डोसे पर आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे और इसके बाद में हम इसमें एक खास चीज़ डालेंगे, और वो खास चीज़ है लेमन। जी हाँ, 1 बड़े साइज़ के लेमन को हमने कट करके इसमें डाल दिया है। तो मतलब 1/2 नींबू के जूस को हम इसमें डाल रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा जूस निकलता है। तो इसमें आप अपने हिसाब से जूस को ऐड कीजिएगा, जितना खट्टा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप नींबू के जूस को ऐड कर लीजिएगा। लेकिन एक खास बात को ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि जब आप नींबू के जूस को आलू में डालेंगे तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और गैस का फ्लेम बंद रहेगा जब भी आपको नींबू के जूस को डालना है। ध्यान रखिएगा बीजे ना जाने पाए। बस ये डोसा आलू बन करके तैयार है, लास्ट में हरी धनिया डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना मस्त डोसा आलू। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसे साइड में रख देंगे और चलते हैं बैटर की तरफ। बैटर भी बिल्कुल रेडी है, इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक और जाएगा इनो फ्रूट साल्ट का पूरा 1 सैशे। यहाँ पर हमने लेमन फ्लेवर का ग्रीन वाला इनो लिया है, आप कोई भी इनो इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा 1 सैशे डाल देंगे, चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर बैटर को देखिए, ये फ्लफी सा हो गया है। बस ये रेडी है, आइए चलते हैं तवे की तरफ।
तो गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम और एक तवे को गैस पे चढ़ा देंगे। इसके बाद में इसमें ऑयलिंग कर देंगे। आप जो ऑयल खाते हो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ऑयल को अच्छे से पूरे तवे पर स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद में पानी का छींटा मारेंगे। डोसा बनाने का मेथड वही रहता है, बस थोड़ा सा इसमें एक तरीका होता है डोसे को बनाने का। तो पहले ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद में पानी डाल करके टेम्परेचर को नॉर्मल कर लेते हैं, मतलब तवा ठंडा हो जाता है और ठंडे तवे पर बैटर डालते हैं। आप चाहें तो इस वक्त मतलब बैटर डालते समय आप गैस के फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं, इससे डोसा तो जो होता है बहुत अच्छे से फैल जाता है तवे पर। तो इस तरीके से डोसे को फैला लेंगे और थोड़ा बहुत अगर बिगड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पकता है तो बहुत बढ़िया क्रिस्पी होके आता है। डोसे को पूरे तवे पर फैला लेने के बाद में गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और इसे ऊपर से ड्राई हो जाने देंगे। जैसे ही ऊपर से ड्राई हो जाता है, जो भी ऑयल आप खाते हो उसे इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, या बिना ऑयल के बनाना चाहें, ऑयल फ्री बनाना चाहें तो आप बिना ऑयल के भी इस डोसे को आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। डोसे को टर्न करके सेकेंड साइड में भी हल्का सा क्रिस्पी हो जाने तक पका लेंगे। दोबारा से टर्न करेंगे, आलू लगाएंगे और यहाँ पर आप चाहें तो अपना मनपसंद सॉस भी डाल सकते हैं। इसके बाद में इसे बंद करेंगे और सर्व करेंगे। इसे मैंने थोड़ा सा कम क्रिस्पी रखा है क्योंकि मेरे बेटे को कम क्रिस्पी पसंद है। आप इसे खूब बढ़िया क्रिस्पी सा बना करके भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा पका लीजिए, ये क्रिस्पी हो जाएगा क्योंकि इसे हमने चावल से बनाया है, इसलिए डोसे का क्रिस्पी होना तो दोस्तों स्वाभाविक है। तो यहाँ पे डोसा एकदम रेडी है, लग रहा है ना एकदम मज़ेदार मस्त डोसा। इसको झट से खा लेने का मन कर रहा है, मेरा तो कर रहा है, आके आपका भी कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो डोसा एक रेडी है, इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व कीजिए और हम बना लेते हैं यहाँ पर दूसरा डोसा। और सेकेंड वाले डोसे में हमने ऑयल नहीं लगाया है, इसे बीच से कट करेंगे और रोल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से है ना, एकदम बढ़िया लगने वाला डोसा। इसे देखकर बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अगले डोसे को हमने थोड़ा क्रिस्पी डोसा बनाया है, ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो आप अपने मन पसंद तरीके से डोसे को बनाइए और सर्व कीजिए, बैटर वही रहेगा पर स्वाद और परोसने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो मेरी ये रेसिपी दोस्तों अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।